नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 2012 बैच के आईपीएस घुले सुशील चंद्रभान ने बरेली के स्थानीय अधिकारियों की बैठक ली। बारादरी प्रकरण में जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद शाम 5 बजे घुले मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। मऊ, सीतापुर, कासगंज, हाथरस जिलों के पुलिस कप्तान रह चुके घुले ने कहा कि क्राइम कंट्रोल व बेहतर कानून व्यवस्था कायम रखना ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए एसएसपी घुले बोले, आम जनता जनप्रतिनिधियों व मीडिया कर्मियों के साथ घुल मिलकर नई पारी खेलेंगे। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने की दिशा में जो भी उचित सुझाव होंगे उनका संज्ञान ले उन पर काम करते हुए प्रभावी एक्शन लिया जाएगा। दागी वर्दी वालों को फील्ड से दूर रख, जीरो टॉलरेंस पर पुलिस हो या पब्लिक भ्रष्टाचार के मामले में सभी पर कड़ा एक्शन होगा। जन सुनवाई को अगर बेहतर बनाया जाएगा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि थानेदार व माथक अफसर अपने कार्यालयों में हर कीमत पर नियत समय पर जन सुनवाई करें। महिला उत्पीड़न की घटनाओं तथा सांप्रदायिक मामलों में पूरी जिम्मेदारी से पारदर्शिता के साथ एक्शन लिया जाएगा। यूपी के बरेली में पिछले रविवार को कांवड़ियों पर बारादरी इलाके में पथराव कर दिया गया था। इस रविवार कांवड़ रूट को लेकर कांवड़ियों और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के बाद शासन ने बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी के स्थान पर सीतापुर के पुलिस कप्तान सुशील घुले चंद्रभान को बरेली भेजा है। आईपीएस प्रभाकर चौधरी को 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ का कमांडेंट बनाकर भेजा गया है। शासन ने कई जिलों के पुलिस कप्तानों समेत एक दर्जन से अधिक आईपीएस अफसरों को भी स्थानांतरित किया। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज बरेली जनपद का चार्ज मेरे द्वारा ग्रहण किया गया है और आज यहाँ पर जो स्थिति है उसको देखा है। अधिकारियों से मैं अभी मीटिंग करूँगा और जो भी समस्या है उनको देखूँगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि जन सामान्यों की समस्या सुनना, जो जन सुनवाई करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जनता से साथ जुड़ने का। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से समय से ऑफिस में बैठ के मिले और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा मैं सभी अपने अधिकारियों को भी ये निर्देश दे रहा हूँ कि आने वाले त्यौहारों को और आने वाली सभी चुनौतियों को देखते हुए सभी जो समाज के सम्रांत लोग हैं और पीस कमेटी के सदस्य हैं, इन सभी लोगों से, व्यापारियों से और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में संवाद बनाए और उसमें कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पुलिस का बेसिक वर्क है, क्योंकि क्राइम कंट्रोल है और विवेचनाओं का निस्तारण, ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में भी हम निर्देश उनको दे रहे हैं। इसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, किसी भी पीड़ित की ज़रूर इसमें मदद हो और किसी भी दोषी को न छोड़ा जाए और किसी भी गलत व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न हो। ये जो देखा जाए कि जो वास्तविक रूप से इसमें दोषी है उसी के खिलाफ कार्रवाई हो, तो ये विवेचनाओं में भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सब बृहद निर्देश हम मीटिंग करके अपने अध्यक्षों को देंगे और जो जन सुनवाई है उस पर जरूर विशेष ध्यान रखेंगे। कल जो बारादरी क्षेत्र में कांवड़ी पर लाठी चार्ज किया गया सुबह, अब क्या स्थिति है वहाँ और क्या कार्रवाई की गई उनके खिलाफ? अभी मैंने कुछ घंटे पहले यहाँ ज्वाइन किया है और जो जितना मैंने यहाँ जायजा लिया वहाँ पे मौके पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा हुआ है और वो फोर्स शिफ्टों में लगा हुआ है, अलग अलग सेक्टर व जोन में लगा हुआ है। वहाँ मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और बाकी जो इस घटना के संबंध में डिटेल है इसके संबंध में अधिकारियों के साथ जो मौके पर उपस्थित थे और जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके आधार पर मेरे द्वारा जायजा लिया जा रहा है और उस स्थिति को देखा जा रहा है। आज मौके पर सर तमाम जनप्रतिनिधि गए थे, वनमंत्री गए थे, विधायक गए थे, उनका कहना है कि अगली बार अगला जो सोमवार है उसमें भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में बड़ा चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए कि किस तरीके से वहाँ से, क्योंकि दो बार निकाली गई, एक बार पत्थर बढ़ते कांवड़ियों को, दूसरी बार लाठियाँ बढ़ती, तो तीसरी बार कांवड़िया डरे हुए कि क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा अभी जो कल की घटना है उसके पूरे सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स को मुझे देखना है और वो देखने के बाद ही मैं उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया देता हूँ। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में क्राइम बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और जो विशेष रूप से जो वहाँ के विवेचक या जो जाँच अधिकारी है उनको भी विशेष रूप से ट्रेनिंग या उनको एक ओरिएंट करना ज़रूरी है कि गांव के लोगों को, एक तो वो क्राइम समय से पुलिस के पास रिपोर्ट करे, रिपोर्ट करने के बाद में पुलिस उसको
प्रॉपर अटेंशन दे दे और उसको सॉल्व करने का हर संभव प्रयास करें। जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे एसओजी टीम है या सर्विलांस टीम है उसकी भी सहायता बोले। सर आज भी कई जगह पे कुछ घटनाएं हुई हैं, कांवड़ियों का रास्ता रोका गया है, ग्रामीणों के संग मारपीट की गई है, शेरगढ़ में भी यही घटना हुई है, वहाँ पे धरना चल रहा है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे हैं, तो किस तरीके से ये बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी चार सोमवार और बचे हुए हैं, ऐसे में कैसे सबसे कांवड़ यात्रा निकालेंगे? देखिए जैसे मैंने कहा कि जो आने वाला त्यौहार है और आगे अग्रिम जो भी त्यौहार रहेंगे या जो भी चुनौतियाँ रहेंगी वो क्षेत्र में लोगों से संवाद बना कर जो इस कमेटी के सदस्य हैं संभ्रांत लोग हैं अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बातचीत करके उसमें संवाद बना करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी अधिकारियों को भी हम यही निर्देश देंगे जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं मोहल्ले के जो रहने वाले लोग उनके साथ में एक मीटिंग कर लें उसमें संवाद बना लें उसके बाद में चीज़ों को। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।